आप सभी का स्वागत है टारगेट बोर्ड एग्जाम में। चलो आज शुरू करते हैं फिजिक्स। क्या शुरू करेंगे आज? ये क्लास बहुत दिन के बाद आ रही है ना? चलो कोई बात नहीं। ये फिजिक्स क्या है, क्लास कौन है? ये फिजिक्स का क्लास 2 है। फर्स्ट में क्या पढ़े थे? फर्स्ट में पढ़े थे रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़े थे फर्स्ट में? फर्स्ट में पढ़े थे रे ऑप्टिक्स और आज पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर, जिसे हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे? हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। और आज हम यही पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? समतल दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज याद रखना, समतल दर्पण में होता क्या? जैसे एबीसीडी का कोई अल्फाबेट ले ले, एबीसीडी का कोई अल्फाबेट ले ले, और ध्यान देना कि ये मिरर है। ये क्या है? एक, ये एक मिरर है, ठीक। ये क्या है? मिरर। जैसे घर में जो चेहरा देखते हैं ना, मिरर, हम ऐसे देखते हैं वो दिखता है ऐसे, दिखता है ना, हम ऐसे देखते हैं वो ऐसे दिखता है, यानी एक दूसरे के उल्टा दिखता है। सेम चीज वही है प्लेन मिरर, समझ में आया? जो घर में हम बाल झाड़ते हैं ऐसे, ठीक है, वही क्या है? प्लेन मिरर है, ठीक, समझना। ये रहता है ऐसे, जैसे सपोज डेट कुछ भी ले लो, किसी भी अल्फाबेट का या खुद का ले लो ना चेहरा, ठीक। जैसे लिख दिए पी, क्या लिखे? पी लिखे, तो देखो तो ये पी ऐसे बन गया। अब ध्यान देना चाहिए, ये ऐसे काटो, ऐसे काट के इसको ऐसे चिपकाओ, क्या देखो यही बन जाएगा? बनेगा या नहीं बनेगा? चलो आगे देखते हैं आर। क्या देखते हैं? आर, ठीक। अब इसी में कोई भी अल्फाबेट का कुछ भी हो, यह है काल्पनिक चिन्ह। क्या है? काल्पनिक चिन्ह। इस आर को लिख सकते हैं ऐसे, देखो तुम इसको ऐसे तुम चिपका दो तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? होगा ना, बताना अगर समझ में ना आए तो। कुछ भी ले लो, चलो एक और लेते हैं। चलो लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए को ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे चिपकाओ, फिर ये हो गया ऐसे, ठीक। वही क्या है? मेरा प्लेन मिरर है। एग्जाम में कैसे पूछेगा वो ध्यान देना, एग्जाम में कैसे पूछेगा वो ध्यान देना। एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि समतल दर्पण का गुण लिखो। क्या लिखो? समतल दर्पण का गुण लिखो। समतल दर्पण का क्या लिखो? गुण लिखो, या समतल दर्पण को समझाएं, या समतल दर्पण क्या है इसकी उपयोगिता को लिखें, ठीक। ये तीन चार प्रकार से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन मेरा है समतल दर्पण के गुण को लिखें। समतल दर्पण के गुण को लिखें। क्या लिखें? समतल दर्पण के गुण को लिखें। तो पहला चीज क्या लिखेंगे? ध्यान देना कि फोटो भी देखें ना, ये देखो ये फोटो इधर बना देते हैं छोटा सा, ये है आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये ऐसे फिर उलट देंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, ये समतल दर्पण। घर में शीशा है ना, शीशा जिससे बाल झाड़ते हो, जिससे दाढ़ी झाड़ते हो, ये वाला, ठीक। तो हम सीधा रहते हैं ऐसे दिखता है ना, वही है प्लेन मिरर, जस्ट लाइक यही, ठीक। चलो पहला समतल दर्पण का क्या लिखे? गुण लिखे। तो पहले ध्यान देना, समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक। क्या नाम है? काल्पनिक। आभासी का दूसरा नाम क्या है? सब कॉपी में लिखेगा, ठीक, सब कॉपी में लिखो। समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? आभासी बनता है। ये देखो आभासी है, आभासी का चिन्ह ये देखो, हम अपना चेहरा देखते हैं ना, उधर शीशा में आभासी ही
दिखता है, क्या दिखता है, टोटल आभासी ही दिखता है। दूसरा चीज, हो गया ये लिख लिया सर। चलो दूसरा गुण, समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा कैसा बनता है, सीधा तथा पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा तथा पार्श्विक उल्टा बनता है। नंबर तीन, फोटो देखते रहना, फोटो देखते रहेंगे तो ये याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा चीज, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तथा नंबर चार, और या वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। चलो ये लिखो जल्दी, लिख लिया, चलो ठीक। कैमरा देखने गए थे, उधर चल रहा है, पता बहुत दिक्कत होती है इस समय, पता चला इधर हम पढ़ा रहे हैं उधर कैमरा ही बंद हो गया है। लिख लिया सब, नहीं लिखा तो वीडियो रोक के लिखेगा। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है, खास करके ये दसवां में पूछे चाहे नए, इंटर में जरूर पूछेगा, खास करके दसवां में पूछे या नए, लेकिन इंटर में ही जरूर पूछेगा, इसलिए कान खोल करके लिख लेना कान में इसको, वो क्या है और किसी को बताना मत, ठीक, बता देना क्या है, विचलन क्या है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, विचलन। अब ध्यान देना, ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, इसमें दो कंडीशन होता है, कितने कंडीशन, दो कंडीशन होते हैं, ध्यान देना कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है एक समतल दर्पण, ध्यान देना ये प्लेन मिरर है ना ये प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण तथा दो ये दर्पण, एक समतल दर्पण तथा दो झुके हुए दर्पण, एक समतल दर्पण, ये देखो ये दिख रहा है, बीच में क्या है, ये तो सबके पता होगा एक ही है, इससे तो पुराना हो गया ना, एक ही है, अभिलंब है, ये है आई और ये है आर, ये है आई और ये आर, और ये पता है क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक, तो एक झुक, ये कोण आई है और कोण आर है, ठीक, ये कौन आई और ये कौन आर, ध्यान देना ये जो किरण थी ना, ये देखो ये आ रही इधर, तो ये जो एंगलवा है ना, इसी को बोलते हैं डेल, इसे क्या बोलते हैं, डेल, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में विचलन, क्या बोलते हैं हिंदी में विचलन, किसका पता है, फॉर्मूला बाकी है, ये याद रखो चाहे नहीं रखो, पता है कि जब क्वेश्चन मांग एगो एंगलवा दिल रहेगा ना, की करेंगे, ध्यान देना, पहले ये कौन आई है लिख दिए, कौन आर है लिख दी, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, अब ई जो कोण डेल है इतना तक तो लिख दिए ना, हमको पता है तीनों कोने का योग कितना होता है 180 डिग्री, और एक चीज आरो बतलखिन सर, क्या बताए थे कि जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के बराबर होती है, यानी जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के
बराबर होता है, यानी इसको लिख सकते, ध्यान देना, कोण आई प्लस कोण आई प्लस डेल बराबर 180 डिग्री, आई आई हो गया 2i, कहाँ आई प्लस मजाक, डेल बराबर 180 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत? हमको निकालना क्या है, विचलन। ध्यान देना, ये विचलन कब निकालेंगे, जब एक एंगल दिया रहेगा तब, जब क्वेश्चन मा में एक वो एंगल बार रहेगा तभी फॉर्मूला हम लगाएंगे। चलो डेल दिख रहा है यहां तक, डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, चलो ये लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो, रुको देखते कैमरा चल रहा है, फिर चल रहा है, बढ़िया लिख लिया, 180 डिग्री माइनस 2i, मिटाए, चलो मिटाते हैं, एक एंगल, ध्यान देना, एक समतल दर्पण तथा दो झुके हुए दर्पण कहेगा तभी लगाएंगे, एक के लिए है, ठीक। अब बताते हैं दो के लिए क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन मुंह बनवा देंगे, परेशान मत हो, अब ध्यान देना, दो के लिए, दो समतल दर्पण के लिए, कितने के लिए, दो के लिए, कितने के लिए दो के लिए, समझना, ये है ना एक, ये कितना है, एक है, कितना है ये, एक। अब ध्यान देना एक चीज, और एक मिरर भाई ये है, ये दिख रहा है, हाँ दिखता होगा, ये देखो ये है ना। अब ध्यान देना इसमें दो का मतलब क्या, पहले दो का मतलब क्या ये समझो, ये है ना एंगल, ये समझना, ये देखो आई, समझना, इधर से टकराने के बाद ये फिर इधर लौट गए, मेरे बात को समझना, समझना एक बार, ये देखो ये एक ये किरण है और एक ये किरण है, ये ऐसे आई, समझना, ये ऐसे आई और टकराने के बाद फिर ये लौट रहे, बात समझना, आई मुड़ गई फिर ऐसे चल, ऐसे तो बनाते टूट जाएगा, ऐसे आई यहां टकराई और ये ऐसे मुड़ गई, ठीक। ध्यान देना इसका कहने का मतलब क्या है, कैसे मुड़ गई, 360 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे, इसको कुछ नहीं करेंगे, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल बराबर 360 डिग्री, इतना होगा कि नहीं, कहा है 360 पे मुड़ गया है और दो को समतल दर्पण दिया है, ठीक। हमको पता है आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। कोण आई प्लस कोण आई बराबर इंटू डेल बराबर 360 डिग्री, कोण 2i प्लस डेल बराबर 360 डिग्री, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलो, डेल बराबर 360 डिग्री माइनस के 2i, चलो लिखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, लिख लिया, क्या आज कितना ही तक समझ में आया, इतना तक समझ में आया, अगर आया हो तो कमेंट में बता देना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।